नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आज के वीडियो के जहाँ तक विषय की बात है, तो मैं आफ्टर प्रूनिंग उसके अपडेट भी बताऊँगी, कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूँगी। एक बार फिर से शॉर्ट में हैंड पॉलिनेशन बताऊँगी, जो लौकियाँ पॉलिनेट हो गई हैं वो दिखाऊंगी, और आफ्टर पॉलिनेशन उन पर क्या प्रोटेक्शन करना है वो भी बताऊंगी, और भी काम की ढेर सारी बातें करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं ये अपडेट दिखा देती हूँ। और हाँ, मैं वीडियो के अंत में एक पोइट्री भी सुनाऊंगी, तो जिन लोगों को मेरी पोइट्री सुनना है वो पूरा अंत तक वीडियो देखें। ये मुनगा या मुरिंगा या सहजन का पेड़, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। हालांकि मैं प्रूनिंग का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन अब आफ्टर प्रूनिंग का तो मैं आपको इफ़ेक्ट दिखाई देती हूँ कि कितना हेल्दी है ये। तो इसकी बड़ा मोटा इसका तना हो गया था और बहुत सीधा सीधा जा रहा था, तो मैंने उसे फिर बीच से कट कर दिया और ये अब बहुत घना हो गया है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो लोग भी प्रूनिंग कर रहे हैं, वो सावधानियाँ क्या क्या रखें कि या तो ये फरवरी में करें, फरवरी मार्च में, जब मौसम न ठंडा हो न गर्म हो, क्योंकि जो नया अंकुरण होता है उसको एक हेल्दी टेम्परेचर चाहिए। अब हम जुलाई में भी कर सकते हैं, मैंने जून में कर दी, और ये मेरी किस्मत अच्छी रही कि उन दिनों हमारे यहाँ पानी गिर गया और ये नई ब्रांचेस डेवलप हो गई। अब हमारे यहाँ भी तेज़ धूप है और पानी बंद हो गया है। इस समय अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो जो नया अंकुरण होगा वो धूप में जल भी सकता है। तो ये विशेष सावधानी है कि जब अच्छी झमाझम बारिश शुरू हो जाए, यानी कि जुलाई में, या आप बिल्कुल आपके यहाँ जब भी जिस मौसम में होती हो, तब आप ये प्रूनिंग करेंगे तो सबसे अच्छा मौसम है बरसात का मौसम। मैंने अभी दो तीन चीज़ों की प्रूनिंग आपसे शेयर की थी। एक तो मीठी नीम, उसका भी अपडेट मैं आज आपको दिखा दूँगी, और मैंने नागचंपा की प्रूनिंग की, मैंने शमी वृक्ष की प्रूनिंग की, हार्ड प्रूनिंग की, रिपोर्टिंग भी की इन सब की। और ये मीठा नीम देख लीजिए, मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि इस तरह से पूरा काट देने के बाद क्या नीम डेवलप होगा, तो अब आप देखिए। यदि आपने मेरा वो प्रूनिंग का वीडियो नहीं देखा होगा तो इस नाम से मिल जाएगा कि किस तरह करें नीम को घना। अब देखिए, घना हो गया। और हम ये भी करते हैं, नीम तो हमें बहुत बुशी चाहिए, इसलिए हम इसकी पूरी ब्रांचेज रख लेंगे। लेकिन किसान लोग जो ऐसे फ्रूटिंग प्लांट की कटिंग करते हैं, जैसे गुआवा है या अनार है, तो ये जो नई ब्रांचेज आती हैं इनमें से भी गिन कर कुछ स्वस्थ टहनियाँ रख लेते हैं और बाकी को छोटे में ही हटा देते हैं। तो प्रूनिंग तो एक हिस्सा है प्लांट के लिए, और प्लांट को डी शेप होने से भी बचाता है, और अगर गमले में कर रहे हैं तब तो फिर बहुत ही ज़रूरी है। ये नागचंपा, ये भी सीधी सीधी टहनियाँ जा रही थी, तो जब सीधा एक पेड़ होता है तो फ्लावरिंग भी कम होती है। अब मैंने इसकी ये टहनियाँ काट दी हैं और छोटे छोटे अंकुर निकल रहे हैं। चंपा, नागचंपा, कनेर, अभी जो भी आप सबकी प्रूनिंग हो सकती है, मीठी नीम, शमी, आपके यहाँ जो भी ऐसे प्लांट हैं जिनकी जो डी शेप हो रहे हैं, मैं अलग अलग नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप किसी की भी, बस ध्यान यही रखना है आपको कि आफ्टर प्रूनिंग थोड़ा सा आप टेम्परेचर का ज़रूर देख लें कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर जा रहा है तो फिर ना करें और इंतज़ार करें। अब देख लेते हैं ये लौकियाँ, ये पॉलिनेशन के बाद देखिए कैसे पता चलता है कि पॉलिनेट हो गई। जिस दिन पॉलिनेशन कराया था उसके दूसरे तीसरे दिन ये नीचे की तरफ वेट से लटक जाती हैं और एक चमक आ जाती है फल में कि हाँ, फल हो गया। अब हम इसकी क्या केयर करेंगे वो भी बताएं, लेकिन उससे पहले एक बार शॉर्ट में हैंड पॉलिनेशन फिर बता दे रहे हैं। वो इसलिए कि हम छत पर आए हैं, शाम का समय हम कर ही रहे हैं, और जो लोग उस वीडियो में नहीं देख पाए होंगे तो वो देख लेंगे। बस देखिए, नर फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ के और मादा उसके परागकण, मादा फूल के परागकण से स्पर्श कराना है और बहुत संभाल के काम करना है। सावधानियाँ क्या रखना है हैंड पॉलिनेशन के समय, कि शाम को ये फूल खिलता है तो शाम में ये काम कराएं। और अब जब ये पॉलिनेट हो गई है तो देखिए आप, एक कॉटन की पॉलीथीन, ऐसे लोग सॉरी कॉटन की थैली, पॉलीथीन भी बांध देते हैं लोग, पर पॉलीथीन कई बार बहुत ओवर हीट हो जाती है तो वो नहीं बांधना चाहिए। तो कपड़े की पॉलीथीन है जिसमें हम सामान लाते हैं, और ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सा डिस्पोजेबल कपड़ा होता है,
तो इसको लपेट देंगे तो इसके फ़ायदे क्या हैं कि कोई भी ऐसा कीट पतंगा जो अपने अंडे फ्रूट पर देता है, ख़ास करके वाइट फ्लाई, या कोई भी ऐसा इंसेक्ट जो कि इसको डैमेज कर सकता है, उससे बचेंगे। ये हमने उस दिन दो पॉलिनेट आपके सामने कराई थी पुराने वीडियो में, एक हमने बिना रिकॉर्ड किए कराई थी, तीनों पॉलिनेट हो गई, यानी कि हमारा हैंड पॉलिनेशन रेट 100% रहा। पर ये ज़रूरी नहीं कि आपका 100% ही रहे, इसके लिए टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है। यदि सही तापमान होगा तो हो जाएगा। अभी अचानक से देखिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ गया है और बरसात रुक गई है, धूप चटक के निकल रही है, पौधे झुलस रहे हैं। अब इस समय बगीचे को मैं बेलों को नहला नहला के परेशान हूँ, क्योंकि मैं आर्टिफिशियली उन्हें ठंडक देने की कोशिश कर रही हूँ। इस हद तक पहुंच गया है हमारा बगीचा कि अब ये मरेगा तो बहुत तकलीफ होगी, तो इसे बड़े श्रम के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इसको मैं बचा रही हूँ। और ये टिप आप सीखें कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करें। तो आज हमने ये सीख लिया। एक चीज़ और, एक प्रश्न और हैंड पॉलिनेशन को लेके, कि मिर्च में कैसे कराएं, बैंगन में कराएं, तो कैसे कराएं, ये एक प्रश्न आया था। तो हर पौधे में पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। लौकी का फूल, कद्दू का फूल, तोरई का फूल, ये अक्सर शाम को खिलते हैं, शाम को कीट पतंगे होते नहीं हैं छत पे, वो सोने चले जाते हैं, तो या कम होते हैं, तो आसानी से पॉलिनेशन हो नहीं पाता, तो मजबूरन हैंड पॉलिनेट कराना होता है। बैंगन, मिर्च, टमाटर में मैं कभी भी हैंड पॉलिनेशन नहीं कराती। और अगर लौकी कद्दू की बात करें, किसान अगर इसको कर रहा है तो किसान खेतों में हैंड पॉलिनेट कभी नहीं करता, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में खेती होती है, छत की तुलना खेतों से नहीं की जा सकती। खेतों में बिना हैंड पॉलिनेशन के आराम से कीट पतंगे, दूसरे हवा से भी पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन को लेके जिनका ये प्रश्न था, उम्मीद है कि उन्हें उत्तर मिल गया होगा। अब थोड़ा सा गार्डन का व्यू, और जैसा कि आप लोगों को पसंद है कि मैं अपनी एक पोइट्री भी सुनाऊंगी, और साथ में आप देखते जाइए मेरा ये गार्डन का व्यू, साथ में एक ये भूमिका भी कि कैसे लिखते हैं हम लोग। तो जब जैसा मन होता है, जब जैसा दृश्य होता है, उसको देखकर ही हम रचनाएं लिखते हैं। तो कभी अगर बहुत खुश मन होता है तो खुशी का या श्रृंगार रस का गीत बन पड़ता है, या कभी आप दुखी होते हैं, या आप कहीं थकान या अवसाद में होते हैं, तब वैसे गीत लिखे जाते हैं। तो चलिए आज मैं एक बिल्कुल अलग मूड का गीत आपको सुनाती हूँ। मन जरा बैठो करें बातें, यूं छुड़ा कर हाथ मत भागो, मन जरा बैठो करें बातें। कई बार हमारा बोलने का मन नहीं होता, हम किसी बात पर बहुत उदास होते हैं, तो ये पोइट्री तो एक्चुअली पोइट खुद को ही तसल्ली देने के लिए करता है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। सुने अगला बंद कि मन जरा बैठो करें बातें, क्या कहा गमगीन हो तुम, बोलने का मन नहीं है, बंद ओठों की किताबें खोलने का मन नहीं है, क्या कहा गमगीन हो तुम, बोलने का मन नहीं है, बंद ओठों की किताबें खोलने का मन नहीं है। दृष्टि में बादल घिरे गहरे, दृष्टि में बादल घिरे गहरे, मौन की बेचैन बरसाते, यूं छुड़ा कर हाथ मत भागो, मन जरा बैठो करें बातें। अगला बंद सुने कि इस तरह चुपचाप रह कर प्रश्न हल होते नहीं हैं, गठरिया अवसाद वाली पीठ पर ढोते नहीं हैं,
इस तरह चुपचाप रह कर प्रश्न हल होते नहीं हैं। गठरियां वो साथ वाली पीठ पर ढोते नहीं हैं। खोल दो दिल के सभी पन्ने, खोल दो दिल के सभी पन्ने, बोल दो तकदीर की घातें। यूं छुड़ा कर हाथ मत भागो, मन जरा बैठो करें बातें। और गीत का आखिरी बंद सुने क्या, जिन बातों को हम बोल नहीं पाते अंदर ही अंदर रह जाती हैं, वो एक दिन नासूर हो जाती हैं। तो अंतिम बंद की पंक्तियां कुछ ऐसी ही हैं, सुने। कि अनकही रह जाएगी तो एक दिन नासूर होंगी, उम्र भर दहती रहेंगी दर्द का तंदूर होंगी। अनकही अनकही रह जाएंगी तो एक दिन नासूर होंगी, उम्र भर दहती रहेंगी दर्द का तंदूर होंगी। मत रखो दिल की तिजोरी में, मत रखो दिल की तिजोरी में, वक्त की बेनाम खैरातें। यूं छुड़ा कर हाथ मत भागो, मन जरा बैठो करें बातें, मन जरा बैठो करें बातें। तो आज मैंने तो बहुत सारी बातें कर ली, आप कमेंट करके बताइए पोएट्री कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।